मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, UP MP के इन इलाकों में बारिश के आसार। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य कई राज्यों में मार्च महीने की शुरुआत बूंदाबांदी से हुई। बुधवार सुबह से नोएडा और गाजियाबाद समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। दरअसल आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसके चलते मार्च के शुरुआती दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि यह राहत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाओं के चलने की भी उम्मीद है। देश में गर्मी दस्तक देने लगी है, कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 3 से 6 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 3 और 4 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं 4 मार्च से महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जबकि 4 से 6 मार्च तक उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र और गुजरात में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक 4 और 5 मार्च को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 6 मार्च को बारिश हो सकती है। 5 मार्च तक कोमोरेन क्षेत्र में तूफानी हवा 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने की संभावना है। IMD के अनुसार भयंकर गर्मी से जूझ रहे गुजरात और राजस्थान को भी अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इन राज्यों के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलेगी। इतना ही नहीं, गरज के साथ हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। हालांकि इन राज्यों में गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिलेगी। होली से पहले राजस्थान में मौसम में एक बार फिर से बदलाव आने वाला है। आज शाम से जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले में आज बादल छा सकते हैं। वहीं 5 मार्च को अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं मार्च में जोधपुर संभाग, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर में तापमान बढ़ने के आसार हैं। 40 डिग्री के पार पारा जा सकता है। इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से कोटा और उदयपुर में एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है। 5 मार्च को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा सिरोही, कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान हल्की धूल भरी हवाएं और बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के संकेत हैं। तो वहीं तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के मौसम में 6 मार्च से बदलाव आने का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के बाकी के हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं शनिवार तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है। 14 जिलों में 5 मार्च तक बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 4 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग के अलावा जोधपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 5 मार्च को जयपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में दोपहर तक हल्की बारिश की संभावना है। 6 मार्च को एक बार फिर से प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए।